प्राइवेट स्कूल संचालक सिर्फ अपनी जेब भरने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पालकों से मोटी मोटी फीस तो वसूल रहे हैं, पर बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जरा भी उठाने को तैयार नहीं है। शिक्षा विभाग के कुछ कर्मचारी इन स्कूल वालों के साथ मिलकर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने से भी नहीं चूक रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही खरगोन जिले में कसरावत तहसील के एक स्कूल संचालक ने सातवीं क्लास के बच्चे को बेरहमी से पीटा था। यह मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि बड़वानी जिले में ड्राइवर की लापरवाही से राजपुर की गुरुकुल स्कूल की बस पलटी खा गई। बस में 35 बच्चे सवार थे, कुछ बच्चों के घायल होने की खबर भी है। बच्चों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर भेजा गया। आक्रोशित परिजनों ने स्कूल में तोड़फोड़ की। यह पूरा मामला राजपुर के पास जलगोन रोड का है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। ब्रेक भी नहीं लग रहे थे, ब्रेक भी डबल मारते थे तब लग रहे थे। गाड़ी फास्ट चला रहा था। हाँ, गाड़ी। आपका लड़का है? हाँ, मेरा भतीजा है। क्या नाम है? सुधीर राठौड़। कैसे एक्सीडेंट हुआ इसको? ये बता रहा था कि बोले वो ड्राइवर चलती गाड़ी में टिफिन उठाने गया, उसकी लापरवाही से गाड़ी नीचे चली गई। अच्छा। तो और उनको छोड़ के भाग गया वो, तो किल्लर बेचारा अच्छा था कि जितने बच्चों पे इकट्ठा करा और निकाला बाहर करा। अच्छा। बाकी तो जो बाद में हुआ है, जैसे इस पे फोन लगाया वैसे फिर आप बाहर इसको हॉस्पिटल में लेके आया, इसकी नाक में लग गई है। अच्छा। और सर में लगी है, तो सर में तो मामूली छोटे, नाक में ज्यादा है, और अब तो आपको दिखा है। आपका क्या नाम है? सुधीर राठौड़। कैसे हो गया था एक्सीडेंट ये? यहाँ उधर से गाड़ी आई थी, ये झाड़ से टिप्पण उठाने के लिए पलटी। तो गाड़ी फास्ट थी, स्लो थी? धीरे से आई थी। धीरे से आ रही थी तो झाड़ से ठोका गई गाड़ी। हाँ, झाड़ से रोड के नीचे उतर के। आपने बच्चों को निकाला? नहीं, सेठ दो सेठ थे, मैं थे, आकाश भाई था। क्या नाम है आपका? गोबरिया। गोबरिया का यही रहते हो? खेत में काम करते? बच्चे रो रहे थे? हाँ। कितने क्या बच्चों को लगा? कहीं नहीं लगी, ऐसा 11-11 ऐसा। आज सूचना मिली थी कि जलगोन रोड पर बच्चों से भरी एक छोटी बस है, वो पलट गई है। तो मौके पर जाकर देखा तो उसमें 25-30 बच्चे थे, जिसमें से 3-4 लोगों को चोटें आई थी। उनको 108 की मदद से तत्काल अस्पताल पहुंचा दिया गया। इसके बाद अस्पताल बच्चों के पीछे कुछ लोग आए, और स्कूल के पास में ही गुरुकुल स्कूल है, वहाँ कुछ लोग हंगामा करने लगे, तो वहाँ पे भी पुलिस पहुँच गई थी और जो हंगामा कर रहे थे उनको भगा दिया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।